नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की कट ऑफ के संदर्भ में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने इसमें गंदे गंदे कमेंट किए, क्योंकि हमने उसमें कहा था कि कट ऑफ जो है 30 से 35 नंबर तक जा सकता है, 35 से 40 नंबर तक जा सकता है। तो कुछ भाई जो है काफ़ी अपशब्द का प्रयोग किए थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसमें अपशब्द का प्रयोग ना करें, वीडियो ना देखें बेशक, लेकिन अपशब्द का प्रयोग ना करें। आज हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है ये कुछ भी हो सकता है, 35 नंबर भी हो सकता है, 50 नंबर भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। तो जो भी हमारे भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें ताकि उनको समझ में आए कि क्या रीज़न हो सकता है। अभी एक्यूरेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर मान लें लोग कह रहे हैं कि लेखपाल की भर्ती आ रही है, तो अगर 8000 लेखपाल की भर्ती आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका 15 गुना, मतलब 15 × 8 = 120, 1,20,000 लोग क्वालिफाई होंगे। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका एक रीज़न ये है। देखिए कि जो हम फॉर्म भरे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का, तो उसमें फॉर्म की जो मिनिमम योग्यता थी वो हाई स्कूल थी। अब मान लीजिए हाई स्कूल से लेके और मैक्सिमम कुछ भी है, तो इसकी योग्यता मिनिमम है हाई स्कूल। अभी हम लेखपाल का फॉर्म भरेंगे तो उसकी मिनिमम योग्यता इंटर है। तो अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 1,20,000, मतलब 15 गुना लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं, तो 15 गुना अगर 8,000 सीट है तो 15 × 8 = 120, 1,20,000 हो रहे हैं। अब 1,20,000 में ये तो हो नहीं सकता कि कौन हाई स्कूल का है कौन। अगर 1,20,000 में मान लीजिए 1,20,000 हाई स्कूल वाले क्वालिफाई हो जा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर उनका है ऊपर से मेरिट में हाई स्कूल वाले, तो अब बताइए जब लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम योग्यता चाहिए इंटर, और जब क्वालिफाई सारे हैं हाई स्कूल वाले, तो लेखपाल का फॉर्म कौन भरेगा। तो इस तरह से ये सिद्ध हो रहा है कि 15 गुना या 20 गुना ऐसा कुछ नहीं होगा, एक नंबर रहेगा 30 से 35%, 40% जो भी हो, अब देखिए जो भी कट ऑफ आए, लेकिन 50 के नीचे ही रहेगी, और जिसके ऊपर जो भी होंगे उनको क्वालिफाई कराया जाएगा। ना कि इस तरह की लेखपाल की भर्ती अगर 8,000 है तो उसका 15 गुना या 20 गुना, मतलब 1,00,000 या 1,20,000 लोगों को क्वालिफाई कराया जाए, क्योंकि जो फॉर्म भरे हैं उसमें हाई स्कूल वाले भी हैं। तो अगर हाई स्कूल वाले, ये तो हो नहीं सकता कि हाई स्कूल वाले पढ़ नहीं रहे हैं, अगर मान लीजिए टॉप ऊपर से जो टॉप हैं 1,20,000 वो हाई स्कूल वाले आ गए, तो लेखपाल का फॉर्म कैसे भरेंगे, जबकि लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनका 50 से कम है, 45 है, 40 है, वो भी उदास ना हो और परीक्षा की तैयारी करते रहें आगे की, हो सकता है उनको भी मौका मिले। तो चलिए, हमको यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।